के चरणों में लग जाता है, तो भगवान नारायण की प्रीति के लिए मां लक्ष्मी ऐसा एक अपने संपदाओं को दूर कर देती है, जैसे पांडवों की संपदा को दूर किया। महाभारत में कुंती ने भगवान द्वारकाधीश को एक प्रश्न किया कि भगवान मुझे यह समझ में नहीं आता, कृष्ण बुरा मत मानना, मुझे पता चल गया है कि आप भगवान है, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आता भगवान होते हुए भी कृष्ण तुम देख रहे हो फिर भी कुछ नहीं करते हो। बोले बुआ जी क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात है बताइए। बोले कृष्ण परमात्मा होकर आप पृथ्वी पर पधारे हो, बात सही है, परंतु मैंने तो देखा इस पृथ्वी पर जो अच्छा करने वाले हैं ना उसके जीवन में कभी सुख नहीं होता। कृष्ण वो तुम देख रहे हो, मेरे बच्चों को मैंने बचपन से सिखाया बेटा मर जाना परंतु अधर्म मत करना, जीवन में भले ही कुछ हो जाए परंतु अधर्म के रास्ते पर दृष्टि मत करना, ऐसा बच्चों को मैंने बचपन से सिखाया और बदले में हमें मिला क्या कृष्ण, केवल दुख। बचपन से मैं जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं केवल दुख देखती आ रही हूं कृष्ण, जन्म हुआ मां बाप के घर में, मां बाप ने मैं लड़की हूं सोचकर छोड़ दिया मुझे, किसी और को दान में दे दिया, कुंती भोज राजा की पुत्री में दान में गई, जैसे तैसे बड़ी हुई तो एक ऐसे पति के साथ मेरा विवाह कर दिया गया जो रोग से पीड़ित है और उनको ऐसा श्राप है कि वो अपनी पत्नी के साथ यदि काम विकार से जाएंगे तो वो जलकर भस्म हो जाएंगे, तो मेरे वैवाहिक जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा कृष्ण, फिर भी मैंने मेरा भाग्य ऐसा होगा समझकर सब स्वीकार कर लिया, बच्चों को मंत्रों से मैंने उत्पन्न किया पैदा किया, बच्चों को धर्म दिया मर्ग, मेरे बच्चों ने भी आज तक देखो कृष्ण महाभारत का युद्ध अब खत्म हो चुका है, कोई नहीं बचा, और आज तक के जीवन में कृष्ण हमने लेश मात्र सुख नहीं देखा, इंद्रप्रस्थ आया वो भी चला गया, कृष्ण ऐसा क्यों, क्या जवाब देंगे कृष्ण। कृष्ण ने कहा आज नहीं कल बताऊंगा, बोलो जैसे कृष्ण। अब कृष्ण की ये सब लीला है ऐसी, बोले आज नहीं बाद में, ठीक है प्रभु जैसे तुम्हारी इच्छा, और हुआ भगवान ने ऐसा चमत्कार किया, एक लीला की भगवान ने। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, अब देखिए अभिमान आना और अभिमान नहीं आना ये भी कुछ ईश्वर के हाथ में है, तो अब देखिए महाभारत का युद्ध पूरा खत्म हो चुका है, ध्यान दीजिएगा सज्जन कोई नहीं बचा, पांडव विजयी हो गए, भीष्म पितामह प्राण छोड़ने वाले हैं, घोषणा हो चुकी है पांडव जीत गए राज्य उनको मिलेगा, कौरव हार गए सब घोषणाएं हो चुकी है, और उन घोषणाओं के बाद में सायंकाल जिस दिन युद्ध जीता जीत गए उसी दिन सायंकाल कृष्ण ने अर्जुन को कहा अर्जुन चलता हूं द्वारका। बोले क्यों, अरे भाई मेरा भी परिवार है, पत्नी है, बालक हो, मुझे सबका ध्यान देना, मुझे जाना है, बहुत दिन हो गए आपके साथ रहते रहते। अर्जुन कहता है कि प्रभु एक दिन रुक जाओ। कहा क्यों, बोले हम जीत गए ना, बोलो जैसे कृष्ण। अर्जुन कहता है कृष्ण हम जीत गए, तो हम जीत गए है ना, तो कल सुबह हमारी जीत का बड़ा उत्सव होने वाला है, एक दिन रुक जाओ कृष्ण। कृष्ण ने कहा वाह बेटा वाह, तेरे स्वर में अंतर आ गया, कल तक कहता था प्रभु आप सर्वस्व हो, आप मेरे गुरु हो, और आज युद्ध हो गया और बोल रहे हो कि हम जीत गए, ठीक है लाभ देखते हैं, कोई बात नहीं रुक जाता हूं। प्रभु एक दिन रुक गए, सुबह हुआ, प्रातः काल हुआ, सूर्य उगा, एकदम जल्दी भगवान कृष्ण उठे और उत्सव से आधे घंटे पूर्व आधा घंटे पहले अर्जुन ने अर्जुन को कहा कि चलो अर्जुन जरा रण मैदान में देख के आते हैं, कौन मर गया कौन जिंदा है, किसकी लाश को कौन सा कौवा खा रहा है और कौन कहां पड़ा है, चलो प्रभु। अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों रण मैदान में जाते हैं, अनेक सैकड़ों लाशें पड़ी है, हर आदमी के शरीर से निकले हुए रक्त से वहां की भूमि लाल हो चुकी है और कहीं जमीन नहीं दिख रही, इतने मरे हुए शव वहां पड़े हैं।
उनके बीच में कृष्ण और अर्जुन गए, किसी के शरीर में से मांस लौट नौच नौच कर कौए खा रहे हैं, सिमड़ी चील सब आके सबके शरीर को फाड़ रहे हैं, चारों ओर आक्रंद, चारों ओर रोना, और ऐसे भयंकर वातावरण वाले रण मैदान में कृष्ण अर्जुन को लेकर गए और जा रहे थे, अचानक उड़ता हुआ एक पक्षी आया और कृष्ण के कंधे पर जाके बैठ गया और रोने लगा पक्षी। भगवान ने पक्षी को अपने हाथ में लिया, वो दीप जला, शायद धुमाड़ बहुत आई है, ये उल भी ना जो आदमी कहा पक्षी रूप, पक्षी की आंख से जरा जरा अश्रु दिखाई दिए, इसलिए भगवान ने उस पक्षी के माथे पर हाथ फेरा और कहा बेटा क्या हुआ। पक्षी ने कहा प्रभु क्या बताऊं। कहा नहीं बोलो क्या हुआ। पक्षी ने भगवान श्री कृष्ण को इतना ही कहा कि प्रभु 18 दिन हो गए, आज से ठीक 20 दिन पहले इसी रण मैदान में एक जगह पर खड्डा करके मैंने मेरे 4 अंडे रखे और मैं सोचने लगा कि यहां अंडे रख रहा हूं, इन पक्षियों को मैं सेवूंगी, उस अंडों को सेव कर जब वो उसमें से बच्चे आएंगे उनके लिए मैं एक घोंसला बनाऊंगी और मेरे बच्चों के लिए मैं न जाने क्या क्या ख्याल देखने लगा। परंतु प्रभु अभी तो अंडे रखे 2 दिन हुए और आकाश में बड़ी बड़ा धुआं और धूल दूसरी होने लगा। मैंने सोचा क्या हुआ, ऊपर हवा में जाकर देखा तो पता चला दोनों तरफ से बड़े बड़े सैन्य आ रहे हैं, इतने हाथी इतने घोड़े देखा प्रभु में डर गया और मैंने सोच लिया कि अब दोनों तरफ से सैन्य आ रहा है, ठीक बीच में मेरे 4 अंडे पड़े हैं, इतने बड़े हाथी इतने बड़े घोड़े इतने बड़े महारथी के बीच में ये 4 अंडे कहां बचेंगे। तो भगवान बिना कुछ बोले बिना कुछ सोचे समझे रोते हुए मैं उस झाड़ पर बैठ गया और केशव 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 प्रभु आपका नाम करने लगा, भगवान भगवान करने लगा। दोनों तरफ से रण मैदान के युद्ध का आक्रमण का घोष हुआ, दोनों तरफ से हाथी घोड़े दौड़े, दौड़ते दौड़ते मेरी नजर उस अंडों पर थी कि अब गए अब गए अब गए। अचानक भगवान एक हाथी वहां से दौड़ा, आप चाबुक घोड़े को मारने वाले थे और उस चाबुक की नोक हाथी के गले में लग गई, गले की सिकड़ी टूटी और गले में जो बड़ा घंट था भगवान 4 अंडे के ऊपर आकर घंट रुक गए। हांस मेरे मन में थोड़े दिन तो हुआ, प्रभु 18 दिन हो गया, आश्चर्य है मेरे मन में प्रभु उस घंट को किसी ने नहीं हिलाया, वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहा, जो गर्मी मेरे पंखों से मिलने वाली थी प्रभु वो रण मैदान के युद्ध से उनको वो गर्मी मिल गई। पर प्रभु 18 दिन जब पूरे हो गए और कल शाम को उसकी अवधि खत्म हो चुकी थी, मुझे डर लगा कि सब मर चुके हैं, अब ये घंट को जो कोई नहीं हटाएगा तो मेरे अंडे फूटेंगे, बच्चे निकलेंगे और बच्चे अंदर मर जाएंगे, प्रभु अब क्या होगा अब क्या होगा, मेरी कोई शक्ति नहीं कि मैं घंट इससे हटा सकूं, अब क्या होगा सोच रहा था। इतने में प्रभु सुबह हो गया, एक आधा घंटा बाकी था, आधे घंटे भी प्रभु आप देरी से आते तो बच्चे मर जाते, प्रभु आप आए अर्जुन को लेकर, हंसते हंसते प्रभु देखिए आपने घंट को पैर से पैर लगाया, घंट टेढ़ा कर दिया और देखिए प्रभु मेरे 4 बच्चे जीवित हैं। इतने भयंकर दुख में, इतने भयंकर कष्ट में, इतने भयंकर पीड़ा में मेरे बच्चों को बचाया प्रभु केवल आपने, प्रभु मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, बस प्रभु आपने जो इतनी कृपा की, इतनी कृपा यदि जीव पर हो जाए तो उसे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल प्रभु आपकी कृपा चाहिए। अर्जुन को तुरंत पता चल गया, अर्जुन ने हाथ जोड़ा और कहा प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं जीता प्रभु आपने हमको जिताया है, ये अर्जुन की गलती थी। तुरंत अर्जुन न्याय कर रहे हुए कुंती माता से बात कही कि माँ ऐसा ऐसा हुआ, पूरी कहानी बताई, कुंती माता ने भी कान पकड़े, कृष्ण को कहा कि कृष्ण जो है वो सब ठीक है, बोलो जैसे कृष्ण। प्रभु यदि आपने दुख नहीं दिया होता तो शायद हमें आपका सहारा नहीं मिलता, यदि उस पक्षी ने अंडे रखकर आपका स्मरण नहीं किया होता और पक्षी कहीं चला गया होता तो कुछ नहीं होता, पर प्रभु जिस पर आपकी कृपा हो उसका जीवन सुमधुर हो जाता है, इसलिए महालक्ष्मी का काम ही यही है, बहुत धन देना, बोलो जैसे कृष्ण, और बहुत धन देने के बाद थोड़े समय के बाद धन से व्यक्ति को दूर कर देना, और जब धन से परिवार से सुख से व्यक्ति दूर हो जाता है तो उसकी मति भगवान नारायण में लग जाती है।
और जब नारायण में मन लग जाता है तो वो परम भक्ति को पाता है। यही महालक्ष्मी का दिव्य चरित्र है। इसलिए दुख ही परमात्मा के तक जाने का एक मार्ग है। उसको समझाने के लिए मां भगवती महालक्ष्मी का एक अवतार हुआ श्री राधा के रूप में, और उसे महालक्ष्मी ने कई अवतार लिए, उसमें रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी आदि आदि भगवान की रानियां हैं, जिसको हमने कल समझा और देखा। एक और प्रश्न किया बलि राजा ने महालक्ष्मी को, मां लक्ष्मी ये तो आपने सब अवतार की बात कही, पर मां एक बताइए, मैंने ऐसा सुना है कि सती माता के शरीर से जितने टुकड़े हुए और वो टुकड़ा जहां पर गिरा वो शक्तिपीठ बना, तो ऐसे आद्य शक्ति मां भगवती के 52 शक्तिपीठ है, तो मां लक्ष्मी आपका भी कोई शक्तिपीठ है? बोलो जय श्री कृष्ण। वो जितने शक्तिपीठ हुए वो तो सब आद्य शक्ति अंबा के है, पार्वती के है, दुर्गा के है। महालक्ष्मी आपका कोई ऐसा पीठम है दुनिया में कि जहां दर्शन करने से हमें अनुभूति हो जाए कि और कोई नहीं स्वयं महालक्ष्मी है? आपने तो अवतारों के बारे में बताया, वो हम समझ गए, आपने आपके स्वरूपों के बारे में बताया, ठीक है, ऐसा कुछ है? कहा जरूर, कलिकाल में मेरी दो पीठ होगी, एक अष्ट महालक्ष्मी पीठ और एक कोल्हागिरी पीठ। कहा कैसे? तो सज्जनों ध्यान देना, एक बार मां लक्ष्मी और नारायण दोनों वैकुंठ में बैठे थे, बैठे बैठे उनके बीच में बहुत सुंदर चर्चाएं हो रही थी, और चर्चा करते 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 पुरानी बातें याद कर रहे थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था, और ये पुरानी बातों को याद करते करते सब बातें हो रही थी, और उसी बात करते करते झगड़ा हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। झगड़ा पुरानी बातों से ही होता है। शादी से पहले तो आप कितना फोन करते थे, 2-2 घंटा बात करते थे, और अब तो बिल्कुल फोन भी नहीं उठाते। पुरानी बातों में से एक प्रसंग ऐसा आ गया, महालक्ष्मी ने पकड़ लिया, पुरानी बातें याद आई, और महादेव भगवान नारायण ने कहा कि लक्ष्मी आपको याद है एक दिन वो ऋषि आए थे भृगु महर्षि और मुझे लात मारी थी छाती में? हाँ प्रभु, मुझे कैसे याद ना हो, तभी तो मैंने कहा था कि ब्राह्मणों के घर को मैं छोड़ देती हूं। ये कथा आपने सुनी तीसरे दिन, दूसरे या तीसरे दिन, प्रभु मुझे बिल्कुल याद है। परंतु देखो भगवान, आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। भगवान ने कहा हाँ बोलो देवी, बुरा नहीं लगेगा। प्रभु आप में भी जरा शक्ति कम है, एक ब्राह्मण के पैर की लात आपने खा ली, ये उस समय तो ठीक है मैं बोल नहीं पाई, आप वो भी गुस्से में थे और आप उनके चरण पकड़ रहे थे। प्रभु आप दुनिया के इतने बड़े देवता होकर एक ब्राह्मण का चरण पकड़ते, प्रभु आपको शर्म आनी चाहिए, ये मैं आपकी जगह होती तो एक क्षण में ब्राह्मण को जलाकर भ्रष्ट कर देती, उसको भस्म कर देती। आप स्वयं भगवान नारायण होते हुए आपने उनके पैर को पकड़। महादेव ने कहा कि देवी लक्ष्मी आपको पता है मेरे मन में ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र ऐसा कोई भेद नहीं है, ब्राह्मण मेरे मुख से प्रकट हुए हैं। शास्त्र में लिखा गया है ब्राह्मणों से मुखमासी, भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराते हैं समझो भगवान को भोजन करा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे गुरु जी ने कैसी पंक्ति भी बनाई थी, स्वाहा आहा दो एक है दोनों में हरियाए, स्वाहा से भगवान रिजे आहा से प्रभु दास सियावर रामचंद्र की जय। स्वाहा मतलब हवन और आहा मतलब भोजन, ये दोनों एक है, दोनों से हरियाए, स्वाहा करने से भी प्रभु की कृपा होती है और लोगों को आहा मतलब भोजन कराने से भी प्रभु की कृपा होती है। स्वाहा से भगवान रिजे, स्वाहा करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और आहा करवाने से भगवान के दास प्रसन्न हो जाते हैं। तो देवी मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, ब्राह्मण मेरे मुख से प्रकट हुए हैं, क्षत्रिय मेरी बाहु से, वैश्य मेरी नाभि से और मेरे श्री शुद्ध चरणों से शूद्र का उत्पत्ति मैंने की है, मेरे लिए सब समान है, ये तो पूरा भुवन भुवन पूरा ब्रह्मांड मैंने बनाया है। लक्ष्मी ने कहा है, कहा कि मुझे ज्यादा मत समझाइए, आपकी गलती थी आप मान लीजिए बस। महादेव ने कहा कि ये तो आपके नजरिए का खेल है देवी, आपकी दृष्टि ऐसी हो चुकी है,
किसी का चरण पकड़ना और किसी को प्रणाम करना ये कोई छोटी बात नहीं है। वेदों में पुराणों में कहा गया है कि जब आप कोई व्यक्ति को प्रणाम करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं। आप यदि किसी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं उसका मतलब ये है कि आप उसके अंदर रही उसके अंदर पड़े सद्गुण को प्रणाम करते हैं। आज यहां व्यासपीठ पे आते हैं लोग मुझे प्रणाम करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे शरीर को प्रणाम करते हैं, परंतु यहां व्यासपीठ पर बैठ के परमात्मा मुझे जो बुला रहे हैं वो प्रभु की वाणी है, और चाहे मेरी जगह पे कोई और हो वो बोलेगा तो भी आपको अच्छा लगेगा। ये व्यासपीठ का प्रभाव होता है। ठीक है, कई लोग अभ्यास ज्यादा करते हैं, कई लोगों का अभ्यास कम होता है, कोई दिल से कथा करते हैं, कोई करने के लिए कथा करते हैं, वो अलग बात है, परंतु व्यासपीठ का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कई बार सोच के क्या आते हैं और कथा क्या हो जाती है, बोलो जय श्री कृष्ण। घर पे सोच के आते हैं कि आज ये कथा लेनी है, और यहाँ आके ईश्वर की कृपा होती है, कथा कोई और हो जाती है। तो कई बार ऐसे होता है कि व्यासपीठ पर से कई नए नए विचार भी आते हैं, बोलते 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 कई बातें नहीं पता चलती है। जैसे मुझे यहाँ इस कथा में एक बात पता चली।